तो भाई आपने देखा है कि स्वीडन में मुसलमानों के खिलाफ उनके जो डिप्टी हैं उस हवाले से उस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं कि स्वीडन में मुसलमानों को क्यों इतना ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है? feg inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar. What's happening in Europe? It appears that in the rise of right-wing parties in Europe with each progressive election is getting frightening more and more scarier. सिर्फ ये स्वीडन के अंदर नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर ये हुआ है, इंग्लैंड के अंदर भी ये सारा कुछ हुआ रहा है. सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों यहाँ से निकलो. और उसमें वो क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो लोग आते हैं ये लोग यहाँ पे आके सिंक नहीं करते, ये लोग सिंक नहीं करते, ये उस तरह नहीं इंगेज करते जिस तरह इंगेज करना चाहिए. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बात तो यही है ना, क्यों ये यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची है कि वो इतना वो अग्रेसिव हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जी मुसलमान यहाँ पर ना रहे. और उसमें वो क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो लोग आते हैं ये लोग यहाँ पे आके सिंक नहीं करते, ये लोग सिंक नहीं करते, ये उस तरह नहीं इंगेज करते जिस तरह इंगेज करना चाहिए. सो मुझे ऐसे लगता है कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को इस चीज़ में थोड़ा सा समझना चाहिए कि इन केस अगर वो नहीं समझते, इन केस अगर वो नहीं सेंसिटिविटी समझते यूरोपियन वर्ल्ड की या वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा. फिर जब यूरोपियंस निकालेंगे मुसलमानों को यहाँ से, उनको टारगेट करेंगे, तो फिर वो कहेंगे जी हमारे साथ ये कुछ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है. सो यंग जो लोग हैं, यंग लोग जो होते हैं वो उनको ज़रा तैयार करना ज़्यादा आसान होता है. आपको याद है जब पाकिस्तान और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड नेटो और सारे ममालिक दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप थे, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो यंग लोगों को ज़्यादा पिक करती थी. उसको खुद भी नहीं पता होता था, पीछे कोई हैंडलर होता था जो उसका बटन दबा देता था, तो ये और उसको ये कहा जाता था तुम जन्नत में चले जाओगे. सो ये मैं समझता हूँ दीज थिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा. मेरी ज़ाती राय के अंदर इसको मुसलमान जो हैं उनको बड़ा केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. अगर वैसे ही करते रहे तो उनकी स्पेस जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी कम होती जाएगी. खासकर मैं पाकिस्तान एंड अफगानियों की बात करूंगा. अफगानियों को भी देखे जर्मनी से निकाल दिया जा रहा है, और वो क्यों? बिकॉज अफगानीज डू नॉट रिस्पेक्ट द लॉ. ठीक है, आप मुसल्लत करना चाहते हैं. मैंने देखा है यूरोप के अंदर भी, मैंने देखा है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए हैं, दे आर लिविंग एज इफ दे डोंट वांट टू इंटीग्रेट. वो देखिए, वो आपको रहने के लिए वो अपना मुल्क देते हैं. आप जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आपको आपकी हेल्प भी करते हैं, जॉब देते हैं आपको, वहाँ पर रहने के लिए सारी सहूलतें होती हैं. जैसे ही आप वहाँ पर सेट होते हैं आप छुरी निकालते हैं. आप मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं, ये सिर्फ इटली की बात. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें. अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें. मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पर हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं. उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जिसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे. और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा. उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है ये वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा. तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा. आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा. तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें.